देखो एप्पल बहुत महंगी महंगी चीजें बनाता है और एक और महंगी चीज लाने वाला है, बट बड़ी जल्दी नहीं। तो एप्पल कार, इलेक्ट्रिक कार्स की अनाउंसमेंट काफी पहले हो चुकी थी, बट ये 2025-27 से पहले नहीं आने वाली है, और ये बहुत बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है, एज यू कैन सी फ्रॉम द एप्पल ट्रैक रिकॉर्ड। शाओमी ने बहुत खिल्लियाँ उड़ाई थी एप्पल की कि वो अपने फोन्स के साथ चार्जर नहीं दे रहे हैं, और अब शाओमी खुद ही अपने फोन्स के साथ चार्जर नहीं ला रहा है। तो इनका जो लेटेस्ट आएगा शाओमी का M11, वो चार्जर के साथ नहीं आएगा। तो जितने भी आगे फोन्स होने वाले हैं ना, जो फ्लैगशिप फोन्स होने वाले हैं, उसमें आप चार्जर एक्सपेक्ट ना ही करो तो सही है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इलेक्ट्रिक कार्स के एंथुजियास्ट है, या फिर जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, क्योंकि टेस्ला इंडिया में अपनी प्रोडक्शन अगले साल से स्टार्ट कर देगी। तो 2021 से टेस्ला जो है वो इंडिया में प्लांट होने वाला है इसका। अगर आप एक ड्रोन ओन करते हो या फिर आप ड्रोन पायलट हो, प्रोफेशनली चलाते हो, तो 2023 के बाद आपको ब्रॉडकास्ट करनी पड़ेगी अपनी लोकेशन कहीं पर भी ड्रोन चलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आने वाली है इस ड्रोन वाली चीज़ में। तो आप चाहे मिनी ड्रोन्स यूज़ करो, नैनो ड्रोन्स यूज़ करो, या फुल फ्लेज्ड जो फिल्म मेकर वाले ड्रोन्स होते हैं वो यूज़ करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो गए हैं कि जहाँ पे प्राइवेसी डिस्टर्ब्ड हुई हुई है। तो उसकी वजह से आई थिंक ये 2023 तक ड्रोन्स में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ 5G फ़ोन, के अभी 5G फ़ोन खरीद लेते हैं, क्या पता आगे 4G ऑब्सोलीट हो जाए और हमारा फ़ोन फिर से बेकार हो जाए, जैसे 3G या 4G के आने से हमारे 3G और 2G वाले फ़ोन्स बेकार हो गए। तो निश्चिंत रहिए, 4-5 साल तक 5G अच्छी तरह से एस्टेब्लिश इंडिया में नहीं होगा। तो 4-5 साल में वैसे भी आप अपने फ़ोन्स बदल देते हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 5G के लिए हम ये फलानी कंपनी का फ़ोन लें, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी भी 4G फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। सिर्फ 5G की वजह से थोड़े सी प्राइसेस हाइक कर देते हैं जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि आई डोंट थिंक के अभी वर्थ है। 4-5 साल अगर आपका ये प्लान है कि मैंने 10 साल तक एक ही फ़ोन चलाना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 5G फ़ोन। बट अगर कोई महंगा फ़ोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें तो 5G आ ही रहा है ऑटोमेटिकली, बट अगर कोई सस्ता फ़ोन ले रहे हो तो सिर्फ उसके 5G की वजह से आप वो फ़ोन कंसिडर मत करो। तो बस इतना ही था इस टेक न्यूज़ के लिए, छोटी सी टेक न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। क्रिएटर शेड पे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। ओके, बाय।